नरेंद्र मोदी अपने 66वें जन्मदिन के मौके पर गुजरात में थे। नरेंद्र मोदी ने सुबह की शुरुआत अपने माँ के आशीर्वाद से की। वो अपनी माँ हीराबा से मिलने अपने छोटे भाई के घर पहुँचे, माँ के साथ 20 मिनट तक बात की और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद मोदी दिव्यांगों को स्पेशल किट भेंट करने के लिए नवसारी गए और उन्हें संबोधित भी किया। लेकिन इसमें एक ऐसा क्षण आया जिसे देखकर आप भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व करेंगे। नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़कर एक दिव्यांग लड़की को स्टेज पर लाया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। देखिए गोद में लेते ही कैसे तालियां बज उठी। उसके बाद मोदी ने उस बेटी से कुछ बोलने के लिए कहा। बच्ची ने भी अपना परिचय काफी सहज तरीके से दिया। इसके बाद मोदी ने उस बच्ची से रामायण सुनाने को कहा, जिसे दिव्यांग बच्ची ने अपने तरीके से सुनाया। इस दौरान ये बच्ची नरेंद्र मोदी की गोद में ही थी। मैं गौरी पूजा और योगीराज शार्दुल की दिव्यांग बेटी, महेश कोठारी जी की अंजन छाड़ा शिवरी मार डांग में पहली कक्षा में पढ़ती। रामायण सुनाओ, रामायण सुनाओ। एक राजा था, उनका नाम दशरथ था। उनकी तीन रानियां थी, कौशल्या सुमित्रा कई कई। राजा के थे चार बेटे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। मंत्रा नाम की दासी थी, बहुत चलक बहुत होशियार। भरत उनका प्यारा था, भरत उनका दुलारा था। राजा बोले, क्या चाहती हो रानी? रानी बोली, राज भरत को वनवास, श्री राम को, राम को वनवास हुआ, सीता लक्ष्मण। ये मोदी के व्यक्तित्व का अलग रूप ही है, जिसमें जन्मदिन पर दिव्यांगों संग बातें करना और उनकी मुश्किलों को हल करना शामिल है। इतना ही नहीं, किसी बच्चे को गोद में उठाना और उत्साहित करने से उसका मनोबल बढ़ाना भी मोदी के व्यक्तित्व में शामिल है। तभी तो देश को जनप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।